नमस्कार दोस्तों, SPKL साइंस प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत। जय विज्ञान। दोस्तों फिर से मैं आपके सामने वीडियो में उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अपन सामान्य शब्दों में अर्थ समझे तो सूर्य का दिखाई नहीं देना। और सूर्य कब नहीं दिखाई दे, जब अपने को दिन के अंदर जब सूर्य होता है सामने वो अचानक दिखाई नहीं दे तो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, ये अमावस्या का दिन होता है जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये इस सूर्य ग्रहण को समझने के लिए आज हमारे पास कुछ उपकरण हैं, जैसे कि ये कार्ड बॉक्स पे बनाया हुआ एक ये ग्लोब है जिसे अपन पृथ्वी मानेंगे इसके अंदर इस प्रयोग में, और एक मोमबत्ती जिसे अपन जलाएंगे तो इसे सूर्य का प्रकाश समझेंगे, और साथ में एक अपने ये जो सफ़ेद बॉल है जिसे अपन चंद्रमा मानेंगे। इन तीनों का इस सूर्य ग्रहण में उपयोग होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों से ही यह सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों इस प्रयोग में हम समझेंगे किस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है। चलते हैं हम इसका पता लगाने के लिए किस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हो सूर्य ग्रहण का है। सूर्य ग्रहण के मॉडल में तीन चीज़ें होती है, एक तो पृथ्वी और एक सूर्य और एक चंद्रमा। जो आप सामने देख रहे हो ये ग्लोब, इसे हम पृथ्वी मानेंगे, और इसके सामने जो ये मोमबत्ती है इसे सूर्य मानेंगे, और फिर तीसरा अपन जो मानते हैं वो होता है चंद्रमा, जो कि आप इस मॉडल के अंदर सामने जो ये सफ़ेद रंग की बॉल दिख रही है इसे हम चंद्रमा मानते हैं। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि ये जो मोमबत्ती होती है वो सूर्य है, तो ये एक बड़ा तारा होता है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है जो कि ग्रह है, और इस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला उपग्रह जो कि एक ही है उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और अपना परिक्रमा करता रहता है, और इस प्रकार पृथ्वी भी अपने इस सूर्य के चक्कर लगाती रहती है और अपना परिक्रमा करती रहती है। कभी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा स्थिति पैदा होती है इस चक्कर लगाते लगाते के अंदर कि सूर्य और ये जो पृथ्वी है इन दोनों के बीच में ये चंद्रमा आ जाता है, जिससे क्या होता है कि दिन के समय जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर गिरता है तो सूर्य इस चंद्रमा की छाया सीधा पृथ्वी के दिन वाले भाग पे गिरती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग जिन पे इसकी छाया गिर रही है उसमें सूर्य उनको दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो देखो दोस्तों सामने आप देख रहे हो कि ये जो नक्शा आप देख रहे हो सामने भारत का है, जिसमें ये सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर गिर रहा है, जिससे चंद्रमा की छाया इस पृथ्वी के ऊपर गिर रही है और भारत के नक्शे के ऊपर सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य ग्रहण का अर्थ मतलब सूर्य या मतलब सूरज दिखाई नहीं देना दिन के समय, यह केवल अमावस्या के दिन ही होता है। तो दोस्तों ये कैसे दिखाई नहीं देगा, जब अपने सूर्य दिन के समय दिख रहा है उसके बीच में कोई चीज़ आ जाए तो उसको उस समय अपने को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो ये बीच में यह चंद्रमा आता है जिससे अपने को ये सूर्य अपने को दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ये गतियाँ वापस ऐसे चलती रहती है तो चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ अपनी गति करता हुआ फिर आगे चलता है तो वापस सूर्य अपने को दिखने लग जाता है, जिससे वह सूर्य ग्रहण भी हट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और किस प्रकार किस दिन होता है। इस तरह से चंद्रमा चक्कर लगाता हुआ चलता रहता है, ये बहुत सालों बाद में ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य अपने को दिन के समय दिखाई न दे। अब दिन के समय कैसे नहीं दिखाई देता, जो आपको पता है क्योंकि पृथ्वी पर अपन दिन के समय बैठे हैं और सामने अपने सूर्य है, तो वो सूर्य अपने को दिखाई कब नहीं देगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई चीज़ आ जाए। और चीज़ क्या होती है, जो आपने वीडियो में देखा आपने कि जो चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो क्या होता है कि वो दोनों पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। बीच में आने से क्या होता है कि उस
जो चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी के ऊपर गिरती है दिन के समय किसी भी भाग के ऊपर। तो जहाँ इसकी छाया गिरती है वहाँ कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है दिन के समय। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि इस प्रकार अपने ये सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य उस दिन दिन के समय दिखाई नहीं देता। दोस्तों आज आपने वीडियो में समझा, और आपको वीडियो यदि देख कर यदि वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसी तरह मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।